हेलो पेरेंट्स, हेलो बच्चों। तो बच्चों, क्या आपको वो स्टोरी जो हमने आज सुनी अच्छी लगी? वेरी गुड। तो आज हम उस स्टोरी पर एक फन एक्टिविटी करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? वेरी गुड। तो इस एक्टिविटी का नाम है लेट्स प्रिंट हाउ द सी क्रीचर्स फील, यानी कि सी क्रीचर्स को कैसा फील होता है उसे हम प्रिंट करेंगे। तो सभी तैयार हैं? वेरी गुड। तो चलो देखें हम आज ये एक्टिविटी को किस तरीके से करने वाले हैं। सो पेरेंट्स, इस एक्टिविटी में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है एक छोटा सा आटे का गोला। अगर क्ले है तो आप क्ले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर क्ले नहीं है तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है। सो हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। एक बैंगल, छोटे आकार की भी चलेगी, बड़े आकार की भी चलेगी। एक पेंसिल, और आटे के साथ हमें काम करना है इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट को उल्टा करके रखा है ताकि मैं इसे आसानी से इस पर रख पाऊँ। सबसे पहले हम बच्चों को आटे की लोई देंगे और वो उन्हें रोल कर सकते हैं, इस तरीके से पैट कर सकते हैं, या अगर आप उन्हें बेलन देना चाहे तो बेलन के साथ, रोलिंग पिन के साथ भी उन्हें रोटी के आकार में छोटा सा एक गोल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जैसे भी बच्चे चाहें उनको उस तरीके से उसे करने के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा गोलाकार बनाएंगे इस लोई का। इसके बाद हमने जैसे कि स्टोरी सुनी थी, आपको बच्चों को कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहले हम उन्हें कहेंगे कि ये जो गोलाकार है ये हमारा फेस है और ये फिशेस का भी फेस है। स्टोरी हमने फिशेस के ऊपर, यानी कि पानी में रहने वाले समुद्री जीव के ऊपर सुनी थी, तो ये उनके फेस का आकार है। अभी जैसे कि हमने स्टोरी में सुना, आप उन्हें 2 से 3 सवाल पूछ सकते हैं कि स्टोरी में उन्होंने क्या सुना। स्टोरी में जब भी हम कूड़े को यहां वहां फेंकते हैं या पानी के आसपास भी फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, और जब भी बच्चे कहे कि उससे समुद्री जीवों को हानि पहुंचती है तो हम उन्हें कह सकते हैं तो उन्हें कैसा फील होता होगा अगर पानी गंदा होता है और उसमें फिशेस को रहने में तकलीफ होती होगी, तो उन्हें कैसा फील होता होगा। तो जब बच्चे कहेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा या उन्हें बुरा लगता होगा तो हम उन्हें कह सकते हैं तो उन्हें सैड फील होता है। तो चलो हम इस पर एक सैड फेस बनाएंगे। तो पेंसिल की मदद से पहले मैं 2 आंखें बनाऊंगी, तो इसे इस तरीके से प्रिंट करूंगी, और फिर इस बैंगल की मदद से जो ऊपर का हिस्सा है ये सैड फेस को दर्शाता है, तो बच्चों को हम इसे प्रिंट करने के लिए कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा सैड फेस। तो ऐसे सवाल कर हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि जब भी पानी में समुद्री जीवों को हानि पहुंचती है तो उन्हें कैसा फील होता होगा। तो जब बच्चे जवाब दें या अगर उन्हें जरूरत पड़े तो आप उन्हें और थोड़ा बता सकते हैं कि वो स्टोरी को दोबारा से याद करें या स्टोरी को दोबारा से देखें और उसके बाद वो जवाब दे सकते हैं, और हम उन्हें इस तरीके से फेसेस बनाने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर हम आटे की लोई को दोबारा से इस तरीके से बच्चों को फिर से एक बार फेस बनाने के लिए देंगे। हम स्टोरी में जो जो हमने जाना है उसके बारे में सवाल बच्चों को जरूर पूछ सकते हैं, जिसकी मदद से हम उन्हें सैड और हैप्पी वाली फीलिंग समझा भी सकते हैं और उन्हें बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। दोबारा से हम बच्चों को फेस बनाने के लिए कहेंगे। हम इस तरीके से पैट करने के लिए कह सकते हैं, या फिर अगर वो बेलन की मदद से इसे करना चाहे तो उस प्रकार भी वो कर सकते हैं। जैसे ही ये फेस का आकार तैयार हो जाता है, दोबारा से हम उस पर 2 आंखें बनाएंगे, उसको प्रिंट करेंगे, पेंसिल की मदद से 2 आंखें प्रिंट करेंगे। इस तरह से होने के बाद आप फिर से बच्चों को सवाल पूछ सकते हो, अगर हमने कूड़े को सही ढंग से फेंका तो उससे क्या फिशेस को हानि पहुंच सकती है? नहीं। या किसी भी समुद्री जीव को हानि पहुंचेगी? नहीं। क्या उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा अगर उनके पानी को हमने साफ सुथरा रखा तो उन्हें कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? इस प्रकार के सवाल हम पूछ सकते हैं। जैसे ही बच्चों से जवाब आता है कि उन्हें बहुत खुशी होगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा, तो हम उन्हें हैप्पी फेस बनाने के लिए कि उन्हें कैसा लगेगा, तो चलो हम एक फेस बनाते हैं और बताते हैं उन्हें कैसा लगेगा। तो बंगड़ी के नीचे के हिस्से से हम हैप्पी फेस बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस एक्टिविटी को बच्चों से करवा सकते हैं, जो करने में उन्हें बहुत मजा आएगा और साथ ही साथ उनके छोटे स्नायु का विकास भी होगा और उन्हें इमोशंस के बारे में पता चलेगा, फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा, और साथ ही साथ स्टोरी से वो कुछ चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
तो बच्चों, है ना ये एक मजेदार एक्टिविटी? वेरी गुड पेरेंट्स, आपको भी बच्चों से इस एक्टिविटी को करवाना है और उसके प्यारे प्यारे फोटोज और वीडियोस अपने अपने बालवाड़ी ग्रुप्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू बच्चों।